मीनू चिड़िया खूब मेहनत और लगन से अपना घर तैयार करना शुरू कर देती है ऐसे ही दो दिन बीत जाते हैं अब सभी पक्षियों ने अपने-अपने घर अपने अपने बना लिए होते हैं बस अब पक्षियों को अपने घरों में रंग करना था जिससे उनका घर काफी ज्यादा सुंदर दिख सके मीनू चिड़िया ने भी अपना घर बना लिया था और अब मीनू चिड़िया को भी अपने घर में रंग करना था आज मुझे अपने घर में रंग करना है आज मैं अपने घर को रंग कर कर काफी ज्यादा सुंदर बना दूँगी दूसरी तरफ कालू कौवे ने जंगल के सभी पक्षियों के घरों को खराब करने की योजना बना ली होती है आज सभी पक्षी अपने घरों में रंग करने वाले हैं और कल मिट्टू महाराज जंगल के सभी पक्षियों के घर देखने आने वाले हैं। मैं बादल भैया के पास जाऊंगा और उनसे कहूंगा कि वे जंगल में आकर बारिश कर दें ताकि सभी पक्षियों के घरों के रंग खराब हो जाएं। कल सुबह होते ही मैं अपने घर को रंग कर दूंगा और फिर जब दोपहर को मिट्टू महाराज सभी पक्षियों के घरों को देखने आएंगे तो सबसे ज्यादा अच्छा घर उनको मेरा लगेगा क्योंकि सभी पक्षियों के घरों के रंग बारिश की वजह से खराब हो चुके होंगे और कल का इनाम तो मैं ही जीतूंगा फिर ये कहकर कालू कौआ का बादलों के पास चला जाता है और वहीं जंगल के सभी पक्षियों ने अपने घरों को रंग कर कर तैयार कर दिया होता है मैंने अपने घर को एकदम तैयार कर दिया है मैंने अपने घर को रंग भी कर दिया है बस अब कल मिट्टू महाराज मेरे घर को देखने आए और वो मुझे ही विजेता बना दें। बादल भैया बादल भैया आज आप चलकर हमारे जंगल में बारिश कर दें हमारे जंगल में काफी दिनों से बारिश नहीं हुई है जिसकी वजह से हमारे जंगल में पानी की काफी ज्यादा समस्या हो गई है इसलिए आप अभी चलकर हमारे जंगल में बारिश कर दें अच्छा ठीक है कालू कौवे मैं कुछ देर के बाद तुम्हारे जंगल में बारिश करने के लिए आ जाऊँगा ये सुनकर कालू कौवा खुशी खुशी अपने जंगल की तरफ चला जाता है कालू कौवे के जाते ही वहाँ पर एक बादल आ जाता है चलो भाई जल्दी चलो हमें एक जंगल में जाकर बारिश करनी है उस जंगल में आग लग गई है चलो जल्दी चलो मेरे साथ अरे पर मुझे तो आज तोते महाराज के जंगल में बारिश करने के लिए जाना है अरे भाई वहाँ किसी और दिन चले जाना पर अभी मेरे साथ चलो उस जंगल में काफी ज्यादा आग लगी हुई है हमें जाकर वे आग बुझानी है फिर वे दोनों बादल दूसरे जंगल में बारिश करने के लिए चले जाते हैं सभी पक्षियों ने अपने घरों को रंग कर कर काफी ज्यादा सुंदर बना दिया है लेकिन अभी कुछ ही देर बाद, बादल भैया आकर बारिश कर देंगे और सभी पक्षियों के घर खराब हो जाएंगे कालू कौे को बादल का इंतज़ार करते करते रात हो जाती है लेकिन वे बादल तो बारिश करने के लिए आता ही नहीं है कालू कौवा सो जाता है कल बादल तो बारिश करने के लिए आया ही नहीं मेरा तो सारा प्लान चौपट हो गया चलो अभी मैं जाकर अपने घर को रंग कर देता हूँ वैसे भी दोपहर तक मिट्टू महाराज सभी पक्षियों के घरों को देखने आने वाले हैं मैं जाकर अभी अपने घर को रंग कर देता हूँ ताकि मेरा घर भी सुंदर दिखे कुछ ही देर में कालू कौवे ने अपने घर को काफी ज्यादा अच्छा रंग कर दिया था और अब कालू कौवे का घर भी काफी ज्यादा सुंदर दिखाई दे रहा था मेरा घर तो काफी ज्यादा सुंदर दिखाई दे रहा है लगता है आज का विजेता मैं ही बनने वाला हूँ चलो भाई आज मुझे तोते महाराज के जंगल में जाकर बारिश करनी है कल तो मैं गया नहीं चलो आज ही जाकर मैं उस जंगल में बारिश कर देता हूँ फिर कुछ ही देर के बाद मिट्टू महाराज के जंगल में काफ़ी जोरों से बारिश होना शुरू हो जाती है बाप रे बाप ये बारिश कैसे शुरू हो गई मैंने अपने घर को अभी रंग किया है मेरा घर तो खराब हो जाएगा मुझे कुछ करना पड़ेगा कुछ देर के बाद बारिश रुक जाती है और कालू कौवे का घर काफी ज्यादा खराब हो जाता है मिठू महाराज तोते के घर के बाहर आते हैं और वे आकर तोते का घर देखते हम्म, तुमने अपना घर काफी ज्यादा सुंदर बनाया है चलो तोते अब मैं जाकर और पक्षियों का घर भी देखता हूँ कि उन्हें अपना घर कैसा बनाया है इस तरह तोते महाराज जंगल के एक एक पक्षी के घर में जाकर उनका घर देखते हैं। फिर तोते महाराज कालू कौवे के घर के बाहर आते हैं और वे कालू कौवे का खराब सा घर देखकर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं ये क्या कालू कौवे तुमने अपने घर को रंग नहीं किया तुम्हारा घर कितना ज्यादा बुरा दिख रहा है मुझे तुम्हारा घर बिल्कुल पसंद नहीं आया चलो अब बस मीनू चिड़िया बची है अब मुझे मीनू चिड़िया का जाकर घर देखना है देखता हूँ कि मीनू चिड़िया ने अपना घर कैसा बनाया है फिर मिट्टू महाराज मीनू चिड़िया के घर के बाहर आते हैं और जब मीनू चिड़िया का घर देखते हैं तो मिट्टू महाराज की आंखें तो फटी की फटी रह जाती हैं क्योंकि मीनू चिड़िया ने जंगल में सबसे ज्यादा सुंदर घर बनाया था वाह वाह मीनू चिड़िया तुमने कितना सुंदर घर बनाया है मुझे पूरे जंगल में सबसे ज्यादा सुंदर घर तुम्हारा लगा है इसीलिए इस साल की विजेता तुम हो मीनू चिड़िया फिर मिट्टू महाराज मीनू चिड़िया को तोहफे में गंदुम का खेत दे देते हैं और मीनू चिड़िया काफी ज्यादा खुश हो जाती है प्यारे दोस्तों इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हम जो खड्डा दूसरों के लिए खोदते हैं हम उस खड्डे में ख़ुद ही गिर जाते हैं इसीलिए हमेशा हमें दूसरों के साथ अच्छा ही करना चाहिए तो प्यारे दोस्तों आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं हमें आपके कमेंट का बेसब्री से इंतज़ार रहेगा